नमस्ते बच्चों, कक्षा 6 विषय अग्नि और प्रश्नावली अपनी 11वीं चल रही है, बीजगणित। तो 11.3 के अपने क्वेश्चन हल करते हैं। देखो 11.3 का पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि कोई भी तीन संख्याएं हैं, जैसे दे रखी है आपको 5, 7 और 8, से जितने व्यंजक आप बना सकते हो उतने बनाओ, लेकिन एक संख्या का एक से अधिक बार प्रयोग नहीं करना आपको, और केवल योग, व्याकलन और गुणन इन तीनों का ही प्रयोग करना है। आपको उदाहरण भी दे रखे हैं इस प्रकार से, और आप जितने भी इसके आगे और खुद बना सकते हो बनाओ। जैसे 8 गुना 5 माइनस 5 माइनस 7, कैसे भी करके आगे पीछे संख्याओं को करके इस उदाहरणों के द्वारा आप सभी इन क्वेश्चन को हल करोगे कि योग का, व्याकलन का, गुणन का तीनों का प्रयोग करना है और तीन ही संख्याओं का प्रयोग करना है। आगे पीछे लिख कर इनका प्रयोग कर सकते हो। इसके बाद देखो क्वेश्चन 2 कि निम्न में से कौन से व्यंजक केवल संख्याओं वाले व्यंजक हैं। संख्याओं वाले देखो, अकेली संख्याएं हो, उनके साथ कोई भी चर राशि ना हो, y प्लस 3, तो ये संख्या वाला नहीं है। इसमें देखो, इसमें कोई भी चर राशि नहीं है तो ये क्या है, संख्या वाला। 5 अकेला है, ये भी संख्या है, और इन सभी में चर दिया हुआ है, जैसे n, z, x, p, तो ये संख्याओं वाले व्यंजक नहीं है। इसमें केवल 2 ही संख्याओं वाले व्यंजक हैं जिनमें संख्याओं का अर्थ आप योग गुणा व्याकलन से है, वो हो सकता है उनके बीच, लेकिन जेड, एन, पी, एक्स ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, चर राशि नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आप निम्न व्यंजकों को छांटिए, योग, व्याकलन, गुणन, विभाजन को, और अलग अलग लिखिए और बताइए कि ये व्यंजक किस प्रकार बनाए गए हैं। जैसे ये देखो, ए का पहला दे रखा है कि जेड प्लस 1, तो इसमें कौन सी संक्रिया लगी है, योग की। जेड माइनस 1 कौन सी संक्रिया लगी है, व्याकलन की। वाई प्लस 17 कौन सी, योग की। इसी तरह 17 वाई, इनके बीच कौन सी संक्रिया है, गुणन की। वाई बटा में 17 कौन सी संक्रिया है, भाग की। तो आपको लिखना है कि इसमें कौन सी संक्रिया लगी है, योग की, गुणन की, भाग की, व्याकलन की। आप सारी संक्रियाओं को जानते हो और इसको कर सकते हो। इसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन, आपको व्यंजक लिखने हैं कि पी में 7 जोड़ना, p+7, पी में से 7 घटाना, तो p-7। इसी तरह पी को 7 से गुणा करना है, तो 7 गुना पी। पी को 7 से भाग देना है, तो p/7। माइनस एम में से 7 घटाना है, तो -m-7। माइनस पी को 5 से गुणा करना है, तो -p/5। माइनस पी को 5 से भाग देना है, तो -p/5। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करना है। इसी तरह पांचवा क्वेश्चन है, देखो पांचवा क्वेश्चन कि क्या दे रखा है कि 2m में 11 जोड़ना, तो 2m+11, 2m में से 11 घटाना, तो 2m-11। वाई को 5, वाई के 5 गुने में 3 जोड़ना, तो वाई का 5 गुना यानी कि 5y, और 3 जोड़ना है तो +3, 3 घटाना है तो -3। इसी तरह ये क्वेश्चन आप समय हल करोगे। इसके बाद देखो छठा क्वेश्चन कि टी और 4 का प्रयोग करके व्यंजक बनाओ और एक से अधिक संक्रिया का प्रयोग न करें, प्रत्येक व्यंजक में टी अवश्य होना चाहिए। तो आप कैसे भी कर सकते हो, t+4, t-4, t × 4 और t/4, t × 4, t/4, किसी भी तरह इस क्वेश्चन को आप कोई भी संक्रिया लगा सकते हो। इसी तरह देखो छठे का जो बी पार्ट दे रखा है, क्या दे रखा है कि y 2 7 का प्रयोग करके व्यंजक बनाओ। आपको क्या करना है, y का प्रयोग 2 का और 7 का प्रयोग करना है, और कोई भी संक्रिया लगानी है, तो 2y+7, 7y+2, इसी तरह 2y-7, 7y-2, फिर गुणा की लगा लो, भाग की लगा लो। तो बस जैसे जैसे आपको लिखा है क्वेश्चन में वैसे वैसे करते जाओ और आपके ये क्वेश्चन हल होते जाएंगे। तो आपकी ये प्रश्नावली पूरी हुई। धन्यवाद।